हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की उनकी ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने बिना क्रोशे के और बिना सिलाइयों के बनाई है। ड्रेस स्ट्रेस में मैंने ऊन को बट के मतलब राउंड करके उसकी डोरियां बना के फिर उससे ड्रेस बनाई है। ये ड्रेस मैंने येलो और ग्रीन कलर से बनाई है। आप इसे किसी भी कलर से बना सकते हैं, इसे आप सिंगल कलर से भी बना सकते हैं, टू कलर से भी बना सकते हैं। ये ड्रेस 3 और 4 नंबर के, 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है। से मैंने इस तरह से पीछे से ऊन से सिया है, से सुई धागे से सिल के मैंने इसे बनाया है। चलो हम इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। इस ड्रेस को बनाना शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये अपने गर्म कपड़े का, जिसे हम फुला लाइन का कपड़ा भी बोलते हैं, ये कपड़ा एक तरफ से प्लेन आता है और इधर से थोड़ा सा ये रोएदार आता है, ये कपड़ा इस तरह का ये कपड़ा लेती हूँ जो हल्का सा गर्म होता है। तो ये कपड़ा लेते हैं, मैंने इसके 2 पीस काटे हैं। ये मैंने 8 इंच का कपड़ा लिया है जो सिलाई होके लगभग 7.5 इंच तक बैठ जाएगा, क्योंकि इसके चारों तरफ हम सिलाई करेंगे। और इसके अंदर लगाने के लिए मैंने एक ये पेपर पेस्टिंग टैट्रोन आती है, इसे मैं पहले एक तरफ इसे पेस्ट कर लेती हूँ। तो इसके लिए हम जो हमारा मुलायम कपड़ा है, जो रोएदार कपड़ा, उसे ऊपर रखते हैं हम, और जो प्लेन कपड़ा होता है इसे अंदर तरफ रखते हैं। तो इस कपड़े के ऊपर मैं अपने इस एक तरफ से इसे पेस्ट कर लेती हूँ। तो ये प्रेस से पेस्ट हो जाती है, क्योंकि अपनी जो नॉर्मल टैट्रोन आती है पेस्टिंग वाली, इसकी तरह ही होती है, बस ये बिल्कुल पतली पेपर की तरह होती है। तो इसे मैं प्रेस से पेस्ट कर लेती हूँ और फिर इसके बाद इस दूसरे पीस को इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे और फिर इसे हम सीधा कर लेते हैं। तो पहले मैं इसे पेपर पे, सॉरी इस कपड़े पे इसे पेस्ट कर लेती हूँ। सबसे पहले हम अपने इस कपड़े को रखते हैं और इसके ऊपर हमारा जो ये पेस्टिंग वाला एक तरफ से थोड़ा चिकना होता है, उस हिस्से को इसके ऊपर रख के प्रेस से हम इस तरह से इसे प्रेस कर देते हैं, जिससे कपड़ा इसके ऊपर पेस्ट हो जाता है। ये कपड़ा इसके ऊपर पेस्ट, इसमें भी पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद अपना दूसरा पीस लेते हैं और इसे इस तरह से इसके ऊपर यूँ रखेंगे। ये हमारा सीधा हिस्सा हो गया, ये हमारा उल्टा हिस्सा है। तो इस हिस्से के ऊपर हम दोनों पीस को यूँ सीधा रखेंगे और इसे मैं इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेती हूँ। तो मैं इस पर सिलाई लगाती हूँ। इस तरह हमने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसे हम सेंटर में से, इसे हम सेंटर में से उल्टा कर सीधा कर लेंगे इस तरह से। इस तरह हमारा ये बेस तैयार हो जाता है। चाहे तो हम सेंटर में भी एक सिलाई लगा सकते हैं। ये बेस तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर लगाने के लिए आज हम ऊन से बनाएंगे, लेकिन आज हम इसमें क्रोशे से या सिलाइयों से नहीं बनाएंगे आज हम। तो इसके लिए मैं 2 कलर की ऊन यूज़ कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने एक ग्रीन कलर की और गोल्डन येलो कलर की ऊन ली। आप कोई भी 2 कलर की ऊन यूज़ कर सकते हैं। इसके इस ऊन को 8 बार लपेटते हैं। तो इसको मैं आपको छोटे रूप में बता देती हूँ। मैंने इसकी बड़ी रो बना रखी, इस तरह से मैंने इनकी ये बड़ी रो बना रखी। ये मैंने ग्रीन कलर की बना रखी है, ये मैंने येलो कलर की बना रखी। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाई है मैंने। इसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड के पीस पे अपनी ऊन को इस तरह लपेट लिया, फिर दूसरा कार्डबोर्ड का पीस लेती हूँ और उसके ऊपर इस तरह दूसरे पे लपेट लेती हूँ। तो हमारी ये 2 बार हो गई। 2 बार होने के बाद इसी तरह हम वापस से इस पे लपेट लेते हैं। इस तरह हमारी ये, इस तरह बार बार करने से ये हमारी 8 बार हो जाती है। इस तरह हमारी ये 8 बार हो गई है। तो हम इसे 8 बार करते हैं।
आठ बार करने के बाद हम अपनी ऊन को यहाँ से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद अपने ऊन को हम किसी भी जगह पे या किसी दूसरे की हेल्प से इसका एक मुंह बांध लेते हैं। मुंह बांधने के बाद हम दूसरे मुंह के ऊपर इस तरह से बट लगा लेते हैं। तो मैं आपको इसमें बता देती हूँ, इस तरह किसी एक हिस्से को हम दूसरी जगह बांध लेते हैं और फिर पीछे वाले हिस्से पे हम इसे बट लगा देते हैं। इस तरह मैं पूरी पे बट लगा लेती हूँ उस पर। इस तरह पूरी पे बट लगाने के बाद हम इसमें दोनों मुंह को पकड़ लेते हैं और दो मुंह को पकड़ने के बाद इसको इस तरह से हम अपोजिट साइड में अपने आप ही ये राउंड हो जाता है। इस तरह से हमारी ये डोरी बन जाती है। इस तरह से मैंने ये दोनों डोरियां बना ली। हम अपना बेस लेते हैं, इस बेस के ऊपर मैं निशान लगा लेती हूँ चौक से। अब अपने बेस के ऊपर हम निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के लिए सबसे पहले इसे हम हाफ फोल्ड करते हैं। हाफ फोल्ड करने के बाद इस तरह से मैं इसके ऊपर एक बार ये पेन से निशान लगा लेती हूँ जिससे आपको दिखाई दे जाए। अब इसको इधर से हाफ फोल्ड करते हैं, इन दोनों लाइनों को आपस में मिला के। अब इधर भी हम निशान लगा लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में हम निशान लगा लेते हैं, तो इनको भी हम हाफ फोल्ड करके कर सकते हैं। ऐसे इधर भी मैं निशान लगा लेती। अभी हमारे आठ पीस में डिवाइड हो जाती है। आठ पीस में डिवाइड होने के बाद हम अपनी एक कोई भी रो लेते हैं। ये मैंने अपनी येलो वाली रो ली है। इसके एक मुंह को तो मैं आगे से ऊन से बांध देते हैं और इस हिस्से को अंदर की तरफ से इस तरह फोल्ड करते हुए इस कॉर्नर तक इस तरह मैं ऊन से सिलाई कर देती हूँ। तो ये मैंने येलो कलर की ऊन ली है, इस हिस्से को मैं हल्के से राउंड कर लेती हूँ और इससे हिस्से को यहाँ से मैं ऊन से बांध देती हूँ। इस तरह से मैं इस ऊन को यहाँ से बांध देती हूँ। और इस वाले हिस्से से हम जो हमने पेन से निशान लगाया था उस हिस्से से इस तरह से इसको सिलाई कर लेते हैं हाथ से। आप चाहें तो धागे से भी कर सकते हैं, मैंने ऊन से किया है। तो जिस कलर की ऊन लेते हैं हम उस कलर के धागे से भी कर सकते हैं इसे। जैसे यहाँ से जहाँ हमारा सेंटर का पीस है उसे वहाँ से इस तरह से ऊपर से कोने से मोड़ लेते हैं। इसे कोने से मोड़ते हुए वापस हम अपनी दूसरी साइड आ जाते हैं। इस तरह हमारी एक ये रो लग जाती है। आगे किस्से को हम कैंची से कट कर देते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करते हैं जिससे हमारे इस तरह से आगे हम मुंह को बांध लेंगे वापस। तो मैंने एक्स्ट्रा कट कर दिया है और इससे को मैं यहाँ से खोल लेती हूँ और इसे यहीं पे मैं गांठ लगा देती हूँ। इस तरह दोबारा इसे राउंड करके हम इस तरह से इसमें गांठ लगा देते हैं। फिर हमारी एक रो लग गई। अब ऊन को हम कट कर लेते हैं। अब मैं अपनी ग्रीन कलर की ऊन लेती हूँ, अपने दूसरा सर लेती हूँ।
दूसरे हिस्से को भी आगे से हम अपने मुंह को बांध लेते हैं। अब इस जगह हम ये ग्रीन कलर की रो लगा देते हैं। कोने पे आके हम इसे बिल्कुल इसके इस तरह से लगा के अपनी दूसरी तरफ ले आते हैं। इस मुंह को भी हम कट कर लेते हैं, तो मैं इसे लगा लेती हूँ। इसे आप चाहे तो ग्लू गन से भी लगा सकते हैं। इसे हम यहाँ से कट कर देती हूँ। आगे वाले हिस्से को हम वापस से बांध देते हैं। हमारी सेकंड रो भी हो गई। अब वापस से हम अपनी येलो वाली रो लेते हैं। आगे के मुंह को तुम बांध लेते हैं। और इसके बीच में हम येलो रो लगा देते हैं इस तरह। फिर येलो के बाद हम ग्रीन लगा लेंगे। इस तरह हमारी ये पूरी रो में कंप्लीट कर लेते हैं। उससे मैंने ग्रीन रो भी लगा ली अपनी। पहले येलो ग्रीन, अब सेंटर में अब एक रो लगाएंगे, डबल रो ना लगा के बीच में एक येलो की। तो जो हमारा मुंह है उसको इस तरह से अंदर, इसके अंदर खुला हुआ मुंह रहता है, इसलिए हम इसको अच्छे से इसके अंदर इस तरह दबा के और फिर इसकी सिलाई कर देते हैं हम यहाँ पे। सभी जगह अच्छे से दो बार सिलाई कर देते हैं, जो इसका मुँह हमारा अच्छे से दब जाता है। फिर आगे की तरफ लाके हम आगे के हिस्सा कट कर देते हैं और अपने गांठ लगा देते हैं। इस तरह हमारी एक रो कंप्लीट हो जाती है। अब हम सेकंड रो येलो से ना शुरू करके ग्रीन से शुरू करते हैं। तो हम पहली रो ग्रीन से लगाएंगे। इस तरह पहली रो ग्रीन से लगाएंगे हम, फिर हम बीच में येलो लगाएंगे, फिर ग्रीन, फिर येलो और फिर वापस से एक रो हमारी ग्रीन। इस तरह लगाते हुए मैं ये सभी रो कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह सभी जगह मैंने अपनी डोरियों को सिल के अपने घेरे को कंप्लीट कर लिया। अब हम जो एक्स्ट्रा ऊन हमने जो बनाई है, इसमें जो एक्स्ट्रा है, जो मैंने सभी जगह अपने घेरे पे डोरी लगा के इसे अपने घेरे को कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट होने के बाद हमारा घेरा कुछ इस तरह से बन जाता है। पीछे की तरफ मैंने इस तरह से इसमें सिलाई की है। आप इसे चाहे तो ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं, ये मैंने ऊन से सिलाई करके इसे बनाया है। तो ये हमारी बिना सिलाई के, बिना क्रोशे के और बिना सिलाइयों के बनाई हुई ड्रेस है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अब जो हमारा ये घेरा है जिसमें एक्स्ट्रा ऊन है हमारी, इसको हम थोड़ा बराबर कर लेते हैं। जहाँ से भी हमारा थोड़ा छोटा बड़ा है वहाँ से हम इसको बराबर कर लेते हैं। इससे हमारा घेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने ऊपर के लिए चोली बनाते हैं। चोली बनाने के लिए मैंने इस तरह से ही अपनी डोरी की तीन डोरियां काट ली हैं, दो ग्रीन और एक येलो। इनको मैं आपस में सुई धागे से सिलाई कर देती हूँ।
पहले हम इसको मुंह को बांध लेते हैं नीचे से, हल्का सा, आपको टाइट नहीं करना है इसमें, हल्का हल्का बांधना है। जैसे हमारी ऊन खुले ना, इस तरह से मैंने इसे हल्का सा दो बार राउंड कर लेती हूँ इसे। हम बीच में येलो लगाएंगे, येलो को भी हम इसी तरह से कर लेते हैं। हमारे ये येलो भी इसके साथ जुड़ गया है। अब पीछे की तरफ से हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। हमने ये दोनों पीस सिल लिए हैं। अब मैं अपने ये दूसरी तरफ ये ग्रीन वाला पीस और सिल लेती हूँ। हमारा ये चोली का एक हिस्सा कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने दूसरा बना रखा है, ये हमारे दोनों हिस्से हो गए। अब इसे हम अपने घेरे से अटैच कर देते हैं। इस तरह हमारा एक पीस जुड़ गया, इसी तरह हम यहाँ से दूसरा पीस जोड़ लेंगे। इस तरह हमारा ये दोनों पीस जुड़ गया। अब दूसरी तरफ भी हम ये दोनों पीस जोड़ के इसे कंप्लीट कर। इस तरह मैंने इसका पीछे से दूसरा पीस भी जोड़ लिया। दोनों तरफ से जोड़ने के बाद हमारी इस तरह से ड्रेस बन जाती है। ये हमारे आगे के हिस्सा हो गया। यहाँ मैंने आगे थोड़ी सी दूर में 1 इंच के ऊपर लगभग सिलाई कर दी है। इस तरह से हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। पीछे से कुछ इस तरह से रहती है हमारी ड्रेस। तो ये ड्रेस हमारी कंप्लीट हो गई है। बनने के बाद हमारी ड्रेस इतनी प्यारी सी बन जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।